वहीं पंजाब पुलिस ने कोर्ट से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से पूछताछ करने के लिए उसकी रिमांड मांगी। इसके बाद कोर्ट ने पंजाब पुलिस को विश्नोई को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी। हालांकि लॉरेंस के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस के आग्रह का विरोध किया था। उनका कहना था कि उसकी सुरक्षा को खतरा है। विश्नोई के वकील ने कहा, हमें आशंका है कि लॉरेंस विश्नोई को पंजाब में फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है। मैं वर्चुअल पूछताछ या जांच का विरोध नहीं कर रहा, हम सिर्फ विश्नोई के पंजाब में फिजिकल ट्रांजिट रिमांड का विरोध कर रहे हैं। आज जो पंजाब पुलिस है उसने पटियाला कोर्ट के अंदर में दो एप्लीकेशन लगाई थी, जिसके अंदर उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था कि इसके अंदर अरेस्ट करने की परमिशन दी जाए, और सेकंड एप्लीकेशन थी कि लॉरेंस विश्नोई को जो है यहाँ से ट्रांजिट रिमांड में पंजाब ले जाने की परमिशन दी जाए। तो जो अरेस्टिंग करने वाली एप्लीकेशन थी उसको हमने अपोज नहीं किया। हमने बोला कि हम अरेस्टिंग से कभी नहीं भाग रहे हैं। हम तो वो सेफ्टी को लेते हुए बाकायदा ये 10 पेज का ऑर्डर जो है डिटेल में पास किया गया है। इसके अंदर साफ बताया गया है कि किस तरह से जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पूरे मॉनिटर करेंगे इस ऑपरेशन को, और इनको ले जाने से पहले ड्यूली हैंडकफ और शैकस किया जाएगा। बाकायदा रामनगर हॉस्पिटल के अंदर इसका मेडिकल होगा। उसके बाद इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करते समय इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ले जाया जाएगा। किसी प्रकार का भी कोई रास्ते में मिसहैपनिंग नहीं होगी और पूरी सुरक्षा का जो है पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा पूरे ऑपरेशन को वीडियोग्राफी किया जाएगा।